say my name. Make me forget everything when you call me late. At night I remember you touching my body. The way you get to me deep where my heart is. Love me so good but I wish I was heartless. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धूप थोड़ी सी तेज़ है, तकरीबन चार पाँच दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज। और मेरे घर वाले वापस आ गए थे तो मेरे जो दो भांजे हैं वो भी साथ आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें बाहर लेके जाओ घुमाने। तो मैंने कहा चलो आज नहर पर चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नहर पर। नहर पर हमारे मेरे घर से तकरीबन है कोई बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर होगी। तो हम लोग जा रहे हैं नहर पर, आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं है। शाबाश, चलते रहो चलते रहो, आराम। पानी लगा हुआ है तो रास्ता ख़राब है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। रास्ता चेंज करना पड़ गया है, फसल के बीच में से जाना पड़ गया क्योंकि आगे वहाँ पे वहाँ से सारा पानी लगा हुआ था, तो फिर मजबूरन यहाँ से जाना पड़ गया। रास्ता चेंज करके अभी यहाँ से फिर वो रोड जा रहा है, तो फिर वहाँ से सीधा और नहर पर जाता है। मैं इनको बीच में से लेके आ रहा था कि यहाँ से रास्ता पैरा, लेकिन आज पानी लगा हुआ है फसलों को। तो भाई नहर पे हम पहुंच गए, लेकिन नहर पे पहुंचने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलो मैं आपको नहर के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ उस लोगों में। और हसन की नहर पर जाने की ख्वाहिश मैंने कर दी है पूरी, और आपको भी दिखा दिए नहर से इस लोगों में अच्छे अच्छे क्लिप्स बना के। तो ये है नहर, ये पुल है। ये पुल वैसे पहले उधर उस जगह पे था, उधर पीछे था, उस तरफ था, बहरहाल मेरे ख्याल में पीछे था, लेकिन पहले इधर नहीं था क्योंकि एक बार ऐसे हुआ कि नहर टूटी और ये जो इस तरफ वाला इलाका है सारा डूब गया, पानी भर गया था, चक वगैरह जितने में थे। फिर उन्होंने वहाँ से पुल गिरा के दोबारा इधर बनाया, पता नहीं क्यों बनाया पर इधर बनाया। और ये पानी की अच्छा खासा शोर है यहाँ पे और पानी की अच्छी खासी स्पीड है। तो इस जगह पे नहर यकीनन काफ़ी गहरी होगी क्योंकि यहाँ पे खड्डा, ओए पीछे पीछे, यहाँ पे काफ़ी खड्डा बन गया होगा। सुकून इनको आता नहीं है इंसान को बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं घर वापस। इसके अंदर मछली आ जाओ, इसके अंदर घर, इसके अंदर मछलियाँ भी होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, कोई एक आध किसी जगह पर कोई निकल आए तो, या जब सूखती है तो उस टाइम खड्डों में जब पानी खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर मछली खुदक रही होती है फिर। बाकी अब हम जा रहे हैं घर और देखते हैं फिर आगे। तो भैया हम घर के करीब आ गए और अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तकरीबन ये व्लॉग बनाया है 4-5 दिन के बाद क्योंकि मसरूफ़ था, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे, अब इंशाल्लाह आगे हर रोज़ ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, व्लॉग्स अपलोड करूँगा।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और बेल आइकन को प्रेस कर देना, कोई वीडियो मिस ना हो। फिर चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।